रतन टाटा देश के सम्मानित और परोपकारी उद्योगपतियों में शुमार हैं। रतन टाटा का जन्म अमीर परिवार में जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष और मेहनत के दम पर ही सफलता पाई है। वे टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। रतन टाटा को उनके शांत स्वभाव के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे उन्होंने बदला लेने के मामले में भी मिसाल कायम कर दी थी। ये किस्सा फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन से जुड़ा है, जिन्होंने रतन टाटा का अपमान किया और फिर पछताए भी। बात 90 के दशक की है, जब रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, लेकिन ये लॉन्च बुरी तरह से फेल रहा। कुछ लोगों ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी। टाटा इंडिका को ग्राहकों का खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने डिवीजन को बेचने का ही फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। कंपनी ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई और टाटा को फोर्ड के हेडक्वार्टर बुलाया गया, लेकिन लग्जरी कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कहा कि हम इसे खरीद कर आप पर एहसान ही करेंगे। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उन्होंने शालीनता से बिल फोर्ड की बात सुनी। अमेरिका में अपमानित होने के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का फैसला टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपने साथ हुए इस व्यवहार के बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर्स पर काम करना शुरू किया और इसे कामयाब ब्रांड बना दिया। एक और जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छू रही थी, वहीं बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो चुकी थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आए। तब टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर खरीदने का फैसला किया। उस समय फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद किया और कहा कि आप जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह रतन टाटा ने अपने अंदाज में अपमान का बदला ले लिया। खास बात यह है कि जगुआर और लैंड रोवर कारें आज टाटा मोटर्स की सबसे सफल मॉडल्स में से एक हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।